Izlečenie je konceptov feedback mechanism in imunostasis, ko diskas karenge. So, concept of feedback mechanism in imunostasis ko discuss karne se pehle hum isko define kar lete hain. Iska jo definition ye hoga, feedback mechanism is a loop system wherein system respond to change or disturbance. Yani ek loop system hai, jisme system agar system mein koi change aa jaye ya disturbance aa jaye to system kya karega, usko response dega aur us change ya disturbance ko kya karega, usko nullify kar dega yani khatam kar dega. Phir iske baad the response may be in same direction, response jo same direction mein bhi ho sakta hai, that is called positive feedback, or in negative or in the opposite direction, ya phir opposite direction mein bhi ho sakta hai jisko negative feedback kaha jata hai. To negative ya positive feedback ko samajhne ke liye hum inke types padhenge, jo ki negative feedback hai aur isi tarah positive feedback mechanism hai. Phir isi tarah jo negative feedback mechanism hai isko discuss karte hai. Negative feedback mechanism को पहले डिफाइन करते हैं, फिर बाद में इसको एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल होमोस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जितने भी जो होमोस्टेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म होंगे ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होंगे. और इसी तरह दिस मैकेनिज्म चेंज द वेरिएबल बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. ये जो वेरिएबल्स है इसको ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट स्टेट तक ले आएगा. वेरिएबल्स, लेट सपोज हमारे जिसम का ग्लूकोज है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल. अगर ये हमारे जिसम में गिर जाए तो ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा ये इसको वापस नॉर्मल हालत में लाएगा. और इसी तरह अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाए तो वंस अगेन ये इसको क्या करेगा, इसको नॉर्मल हालत में लाएगा और इसके कंसंट्रेशन को ब्लड में डिक्रीज कर देगा. सो चेंज द वेरिएबल बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट और आइडियल वैल्यू दस क्रिएट स्टेबिलिटी. तो इसी तरह स्टेबिलिटी यानी सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. तो नेगेटिव फीडबैक का जो एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज लेवल इन ब्लड है. लेट सपोज हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लो ब्लड ग्लूकोज है हमारे, यानी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो लो है. तो पेंक्रियास को क्या सिग्नल मिलेगा और पेंक्रियास क्या करेंगे, इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे. किस तरह नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, जो पेंक्रियास होंगे ये ग्लूकेगोन हार्मोन को रिलीज करेंगे फ्रॉम इट्स अल्फा सेल्स से. और जो ग्लूकेगोन होगा ये लीवर के पास आएगा और इसी तरह लीवर जो होगा वो ग्लूकोज को रिलीज कर देगा ब्लड में. तो इसी तरह जो ब्लड लेवल होगा वो वापिस हमारे ब्लड में नॉर्मल हालत में आ जाएगा. इट मीन्स के हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल था वो क्या था, वो लो था और यहाँ पर वापिस क्या आ गया है, नॉर्मल हालत में आ गया. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. फिर इसी तरह जो दूसरा एग्जाम्पल है हाई ब्लड ग्लूकोज, यानी हमारे जिसम में जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई है. तो वंस अगेन पेंक्रियास को सिग्नल मिलेगा और पेंक्रियास जो होंगे इंसुलिन को रिलीज करेंगे. जब इंसुलिन ब्लड में रिलीज हो जाएंगे तो ब्लड में भी रिलीज हो सकती है. तो ये जो फैट सेल्स टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, तो फैट सेल जो होंगे ये ग्लूकोज को ब्लड से ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे. तो इस हालत में हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज लेवल था वो क्या था, वो आई था. तो आई से फिर क्या हो गया, वापस नॉर्मल हालत में आ गया. सो दिस वन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल होगा. फिर इसके बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को देखते हैं, जो कि एक रेयर मैकेनिज्म है, यानी जानदारों में ये बहुत कम होता है और इसी तरह ये ऑर्गेनिज्म में इमरजेंसी के सिचुएशन में होता है. जिस तरह चाइल्ड बर्थ जो है वो ह्यूमन बींग्स में एक इमरजेंसी सिचुएशन होगा, तो इसमें जो मैकेनिज्म होगा दिस इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हम चाइल्ड ये मीन्स की चाइल्ड बर्थ का एक बहुत एग्जाम्पल जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है. यहाँ से हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यानी जो फर्स्ट पॉइंट होगा दैट इज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जब भी एड ऑफ फेटस यानी बच्चे का जो एड होगा फुशिस अगेंस्ट सर्विक्स. सर्विक्स जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जिससे जो चाइल्ड होगा वो यूट्रस से ये यानी सर्विक्स के जरिए निकल जाएगा और जाइना में आ जाएगा और फिर इसका बर्थ हो जाएगा. तो सर्विक्स जो है ये जो ये क्या कर रहा है, फेटस जो है इसके अगेंस्ट यानी वो क्या कर रहा है, पुश हो रहा है. सो ये हमारे फर्स्ट हुआ तो सेकेंड क्या होगा, नर्व इंपल्स फ्रॉम सर्विक्स इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेन. यानी सर्विक्स जो होगा ये फिर नर्व इंपल्स जो होगी ये ब्रेन तक ट्रांसमिट हो जाएंगे. ब्रेन चूंकि कंट्रोल सेंटर है तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू सेक्रेट ऑक्सीटोसिन. यानी जो ब्रेन होगा वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वो ऑक्सीटोसिन को क्या करे, रिलीज करे. ऑक्सीटोसिन जो होगा कैरिड
in bloodstream to uterus और इसी तरह ऑक्सीटेशन जो होगा ये यूट्रस तक चला जाएगा ब्लड के जरिए और फिर पांचवा जो हमारा पॉइंट है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड पुशेज द फेटस टुवर्ड्स सर्विक्स और इसी तरह जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन यानी यूट्रस का जो कॉन्ट्रेक्शन होगा ऑक्सीटोसिन की वजह से और ज्यादा हो जाएगा और जो फेटस होगा वो सर्विक्स मतलब उसकी तरफ फुश हो जाएगा और इसी तरह सर्विक्स जो होगा वो वाइड हो जाएगा और चाइल्ड जो होगा वो फाइनली जाइना में आ जाएगा और फाइनली फिर आउटसाइड आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये दिस मैकेनिज्म इसका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी ऑक्सीटोसिन जो था वो रिलीज हुआ और इसने जो यूट्रस था इसका कॉन्ट्रेक्शन कम नहीं किया बल्कि इसको कॉन्ट्रेक्शन को क्या किया इसको और ज्यादा कर दिया मीन्स के सिस्टम को और अनस्टेबिलिटी की तरफ ले गया। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोस्टेसिस और जिस तरह हमने कहा कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में होता है जब भी यानी जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन था उन्होंने कॉन्ट्रेक्शन को ज्यादा कर दिया यानी ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह नहीं है। सो हम अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। हमने एग्जाम्पल तो दे दी। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली अपोजिट टू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अपोजिट होगा। इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द आउटपुट इनहेंसेज द ओरिजिनल स्टिमुलस यानी ओरिजिनल स्टिमुलस को ये क्या करेगा इनहेंस करेगा यानी जो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो यूट्रस का कंट्रेक्शन था कि वो कंट्रेक्शन जो था वो क्या हुआ वो इंक्रीज हुआ। दिस मैकेनिज्म इज रेयर ये जो मैकेनिज्म ये रेयर है लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंड only takes place in emergency situation और ये emergency situation में होता है जिस तरह child birth जो human female में हो रहा था this is an emergency situation that is create instability यानी इसके वजह से क्या create होगी instability create होगी जिस तरह हमने कहा कि uterus का जो wall होगा वो contraction और ज़्यादा कर देगा it means कि instability और ज़्यादा हो गई। तो इसके साथ हमारा lecture ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।